कल बोले थे ना, पिता को धोखा दो, माँ को धोखा दो, भाई को धोखा दो, पत्नी को धोखा दो, बेटा को धोखा दो, पड़ोसी को धोखा दो, संसार को धोखा दो, लेकिन किस लिए? हम जो धोखा दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? अगर आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, भजन करना, तो आप चाहे पूरी दुनिया को धोखा दो, उसका कोई पाप नहीं। लेकिन अगर निजी स्वार्थ के लिए अगर इस दुनिया को ठगने निकले, इस दुनिया के साथ धोखा किए, उसका प्रायश्चित आपको नहीं, आपको बाप को भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। प्रमाण है, कल मैंने बताया था, भरत जी ने मां के साथ धोखा किया कि नहीं? अवज्ञा करी। बलि ने अपने गुरु जी के साथ किया, भरत जी अपने मां के साथ, प्रहलाद जी अपने पिता के साथ, सब प्रमाण उपस्थित है। लेकिन जिन्होंने किया, भीम मुद मंगलकारी, इन सब का मंगल हुआ, किसी का मंगल नहीं हुआ। इसलिए उद्देश्य केवल करने वालों का केवल एक ही था, भगवत प्राप्ति। भगवत हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं किया अपने बेटे प्रहलाद के साथ? कुएं में फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, हाथी से दबवाया, सर्प के बीच में फेंकवाया, अग्नि में डलवाया, क्या नहीं किया? लेकिन बाप की अवज्ञा करते प्रहलाद चले गए। उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति था। इसलिए अगर आपका लक्ष्य भगवान है, आप भगवान भगवत प्राप्ति में अगर कोई बाधा डाल रहा है, तो उसके साथ धोखा करने में कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए, निजी किसी भी प्रकार का वो स्वार्थ हो सकता है, किसी भी प्रकार, कई प्रकार का स्वार्थ होता है, तो किसी भी प्रकार का अगर उसमें अपना निजी अगर स्वार्थ अगर आया कहीं से भी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सौनकादियों ने अपने पिता की अवज्ञा की। ब्रह्मा जी से बोले, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करने जा रहे हैं, भजन करने निकल गए। और सौनकादियों का जीवन केवल कथा मात्र एक जीवन, उनका पूरा जीवन ही केवल कथा था। चार भाई थे, चले जा रहे हैं, बढ़िया सुंदर पेड़ दिखाई दिया, बस उसके नीचे बैठ गए। एक भैया कथा करने लगा, तीन बैठ के सुनने के लिए, श्रोताओं की जरूरत नहीं, ऐसे रसिक, श्रोताओं की भी जरूरत नहीं, उनको श्रोता भी नहीं चाहिए। तीन भाई सुनने वाले, एक भाई बोलने वाला, वो थक गया तो वो उठकर के आगे बोलने लगा, वो सुनने लगा। पूरा जीवन कथा मात्र एक जीवन, केवल उनका जीवन पूरा कथा ही सुनना, केवल कथा सुनना। कथा सुनने सुनाने के लिए, भजन करने के लिए ही पिता की अवज्ञा किया, केवल इसीलिए पिता की अवज्ञा की है। और पिता की अवज्ञा करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। अगर अपनी पत्नी के लिए मां बाप का अवज्ञा करेंगे तो पाप, जमीन हड़पने के लिए भाई के साथ अगर धोखा करेंगे तो पाप, 100-200 रुपए लाभ के लिए अपने मित्र के साथ धोखा करते हैं, पाप। अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म की हानि करते हैं तो पाप, निजी स्वार्थ। जहां भी अपना स्वार्थ आए वहीं पाप। मैंने कल इसीलिए बड़ा विस्तार से इस पर चर्चा कर दिया था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हमको बस इतना ही समझना पड़ेगा, इतना ही। अगर इतनी एक लाइन अगर आपको पता चल गया, तो आप अपने जीवन में सही दिशा पर रह पाएंगे, सही दिशा में चल पाएंगे। इसलिए अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि वास्तव में आप धर्म के मार्ग के पथिक हैं, तो कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ, निस्वार्थ धर्म की रक्षा, निस्वार्थ धर्म का प्रचार, यही केवल कथा का रसा स्वादन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सौनकादियों ने केवल ब्रह्मा जी की अवज्ञा, 10 ऋषियों को प्रकट किया, उसमें नारद जी भी थे। उसके बाद और सृष्टि प्रकरण आगे बढ़ा, शंकर जी को प्रकट किया। उनको लगा कि भाई, शंकर जी को लगा कि सब हमारे बड़े भैया लोग सब भजन करने चले गए, पिता की अवज्ञा कर दिए, कहीं हम भी कर देंगे तो पिताजी श्राप दे देंगे। पिताजी के श्राप के डर के मारा शंकर जी
सृष्टि करना प्रारंभ किए, सब भूत पिशाच बैताल सर्प कीड़ा बिच्छू यही सब करने लगे। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, देख के डर गए, बोले भैया तुम्हारी सृष्टि नहीं चाहिए, हाथ जोड़े तुमको रहन। फिर ब्रह्मा जी सोचे कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है, पिताजी ने कहा था कि सृष्टि करना है, अब ये तो सृष्टि हमसे संभव नहीं हो पा रही है। पुनः जब जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तब वह किसका आश्रय लेता है? भगवान का। और हम लोग भी वही करते हैं, जब हाथ पैर मार करके थक जाते हैं, कहीं से कुछ भी व्यवस्था नहीं आगे बढ़ती, तब भगवान के शरण जाते, प्रभु अब केवल आप ही सहारा है, आप ही हमको बचा, केवल आप हमको बचा, केवल एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता हमको दिखता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी पुनः भगवान के आश्रित हुए और भगवान ने उनको उपदेश दिया। इसीलिए भगवान ही बुद्धि दाता है, भगवान ने बुद्धि प्रदान किया। क्या बुद्धि प्रदान किया? कि आपसे सृष्टि नहीं हो रही, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, आप इस सृष्टि को मैथुन विधि से आगे बढ़े, आप एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट कर, तब ये सृष्टि आगे बढ़े। मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी प्रकट कर, और मनु शत्रुपा से ही यह सृष्टि आगे बढ़े, मनु शत्रुपा से।